डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कांग्रेस की हालत कुछ साल से जहाज के उस पक्षी जैसी हो गई है, कौमा जिसके लिए उड़ान के विकल्प सीमित होते हैं, स्टॉप वह उड़ना चाहता है, कौमा लेकिन संक्षिप्त उड़ान के बाद फिर जहाज पर लौट आता है, स्टॉप। पूर्णकालिक अध्यक्ष के मुद्दे पर कांग्रेस में भी चर्चा घूम फिर कर गांधी परिवार पर टिक जाती है, स्टॉप। शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यही परंपरा दोहराई गई, स्टॉप। जिन पार्टी नेताओं के लगातार आग्रह के बावजूद राहुल गांधी ने कभी अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था, कौमा बैठक में उन्हीं नेताओं ने फिर आग्रह किया और वह फैसले पर पुनर्विचार के लिए तैयार हो गए, स्टॉप। पार्टी के दिग्गज नेताओं की कवायद से फिर साफ हो गया कि नेतृत्व के मामले में कांग्रेस के पास या तो विकल्प ही सीमित हैं या वह परिवार मोह से मुक्त नहीं होना चाहती, स्टॉप। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेकर राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, स्टॉप। तभी से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही है, स्टॉप। कांग्रेस के G23 नेताओं का समूह पूर्णकालिक अध्यक्ष के मुद्दे पर पार्टी आला कमान पर निशाना साधता रहा है, स्टॉप। शनिवार की बैठक में सोनिया गांधी ने इस समूह को नसीहत दी कि उन्हें ही पूर्णकालिक अध्यक्ष माना जाए, स्टॉप। इस नसीहत में चेतावनी और जिद के साथ उनके पुत्र राहुल गांधी के पार्टी के अध्यक्ष पद तक पहुंचने के लिए सर्वसम्मत और सुगम राह नहीं निकल पाने की विवशता भी महसूस होती है, स्टॉप। कांग्रेस नेतृत्व असमंजस, कौमा भ्रम व अनिश्चितता से इस कदर घिर चुका है कि न उसे आगे का रास्ता सूझ रहा है, कौमा न ही रणनीति, स्टॉप। पूर्णकालिक अध्यक्ष के बगैर पार्टी में अंदरूनी समस्याओं के मामले में जहां हाथ रख दो, कौमा वही दर्द वाला आलम है, स्टॉप। कांग्रेस शासित राज्यों में पार्टी के असंतुष्टों ने नींद उड़ा रखी है, स्टॉप। पंजाब में अमरिंदर सिंह की विदाई के बाद भी प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कब किस बात पर ईंट से ईंट बजाना शुरू कर देंगे या कोप भवन में चले जाएंगे, कौमा कांग्रेस आलाकमान भी नहीं जानता, स्टॉप। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समीकरण नहीं सुलझ पा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में TM सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, स्टॉप। उधर कौमा महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयान आए दिन दित आलाकमान के माथे के बल बढ़ा देते हैं, स्टॉप। दरअसल कौमा जब तक कांग्रेस केंद्रीय स्तर की समस्याओं को हल नहीं करेगी, कौमा राज्यों में संगठन का संकट दूर होने के आसार नजर नहीं आते, स्टॉप। राजनीतिक पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नहीं चलाया जा सकता, स्टॉप। कांग्रेस नेतृत्व जितनी जल्दी इसे समझेगा, कौमा पार्टी के लिए उतना ही बेहतर होगा, स्टॉप। पैरा मणिपुर के माथे पर संघर्ष और आए दिन होने वाला बंद मानो अमिट तकदीर की तरह लिख दिया गया है, स्टॉप। आभूषणों की भूमि और भारत का स्विट्जरलैंड माने जाते इस राज्य में बंद का आलम यह है कि साल के 365 दिनों में करीब 100 दिन ही स्कूलों में पढ़ाई हो पाती है, स्टॉप। मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा दोनों इन बंद को हमेशा के लिए बंद करने के दावे वादे करते रहे हैं, स्टॉप। ऐसा ही दावा जुलाई 2021 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था कि मणिपुर में 4.5 साल की NDA सरकार के दौरान कोई बंद नहीं हुआ, स्टॉप। मगर बंद है कि बंद होने का नाम नहीं ले रहे, स्टॉप। फिलहाल जनजाति नेता अथुवान
अबुनमई अपहरण और हत्याकांड को लेकर बंद का दौर जारी है स्टाफ मणिपुर में। अब विधानसभा चुनावों की तैयारी दिखने लगी है स्टाफ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य में पार्टी का चुनावी अभियान शुरू कर चुके हैं स्टाफ। अंडमान और निकोबार की यात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर करने की घोषणा करके मणिपुर के लोगों को दिल जीतने की कोशिश की है स्टॉप। गौरतलब है कि मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमेशा अंग्रेज से के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी थी स्टॉप। महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह और 22 स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी भेज दिया गया था और उन्हें माउंट हैरियट टापू पर ही रखा गया था स्टाफ। अब सपा और बंद से हलकान होता जनजीवन यहां के चुनावी मुद्दों में सर्वोपरि रहे हैं स्टाफ। 2022 के विधानसभा चुनाव भी इस मामले में अपवाद नहीं होंगे स्टाफ। पैरा वर्ष 2020 में खुद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लिखित में बताया कि कुल प्रजनन दल के लिहाज से हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं स्टॉप, इसलिए दो बच्चों के कानून की ज़रूरत नहीं है स्टॉप। अब या तो मोदी सरकार कोर्ट को झूठ बोल रही है या फिर संघ वाले जनता को बरगला रहे हैं स्टॉप। भारत में 65% लोग 45 साल से कम उम्र के हैं स्टॉप। 2014 चुनाव से पहले मोदी जी घूम घूम कर बता रहे थे कि आबादी का युवा होना कितना फायदेमंद है स्टॉप। वे बताते थे कि सरकार निकम्मी है, वरना युवा आबादी को कौशल दो कौमा रोजगार दो तो हम सबसे विकसित देश बन जाएं स्टॉप। अब वही युवा बोझ बन गया है कौमा उसे भीड़ हत्या में लगाना चाहते हैं स्टॉप। संघ और भाजपा वाले या तो आधा सच बोलते हैं या पूरा झूठ स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जबरन या लालच में धर्म परिवर्तन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए स्टॉप। बीते 6.5 साल में कितने मामले दर्ज हुए क्वेश्चन मार्क। संघ प्रमुख कभी कहते हैं घर वापसी तो कभी सबका डीएनए एक स्टॉप। अब कहते हैं मुसलमान बढ़ रहे हैं कौमा खतरा है स्टॉप। गजब विरोधाभास है स्टॉप। भारत का कोई धर्म नहीं है स्टॉप। कोई किसी भी खुदा को माने और जो किसी भी खुदा को न माने वह भी हमारा है स्टॉप। लेकिन ये भारत का एक धर्म बता रहे हैं स्टॉप। पैरा इसके कई मतलब हैं स्टॉप। मुसलमान शिक्षित हो रहे हैं स्टॉप। निरोधक उपायों को अपना रहे हैं स्टॉप। तथ्य तो यही है कि मुस्लिम प्रजनन दर ज़्यादा तेजी से घट रही है स्टॉप, जबकि इनका तर्क है कि मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे स्टॉप। प्रजनन दर यही रही तो भी 250-300 साल में भी मुसलमान बहुसंख्यक नहीं हो सकते स्टॉप। इनका तो मकसद एक ही है, मुसलमानों का डर बैठाओ और राजनीतिक रोटी सेको स्टॉप। लैंगिक असमानता के आंकड़े तो सामने हैं स्टॉप। यह भी देख लो कि गर्भ में बेटियों को क्यों मारा जा रहा है स्टॉप। क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे संसाधनों कौमा विकास की गति को जनसंख्या वृद्धि ने किस तरह प्रभावित किया है क्वेश्चन मार्क। सरसंघचालक ने जनसंख्या नीति की बात इसलिए की ताकि लोगों की न्यूनतम जरूरतें हर हाल में पूरी की जा सकें और विभिन्न समुदायों के बीच समन्वय हो स्टॉप। हर साल हम किसी अच्छे खासे देश जितनी आबादी बढ़ा रहे हैं स्टॉप। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां व अमेरिका जैसे पश्चिमी देश इस चिंतन को बढ़ावा दे रहे हैं कि बढ़ती आबादी से चिंतित होने की जरूरत नहीं है स्टॉप। कारण है कि उन्हें लगता है कि इससे उनकी बड़ी कंपनियों को सस्ता श्रम मिलेगा और पूंजीवाद की उनकी राह और आसान होगी स्टॉप। ऐसा है तो अमेरिका जापान जैसे देश 4 बच्चों की अनिवार्यता कर दें स्टॉप। घुसपैठ से खास तौर पर जनसंख्या पर असर पड़ता है स्टॉप।
इनके धर्म में जनसंख्या बढ़ने को स्वाभाविक बताया गया है। स्टॉप, इन्हें समझाया जाता है कि जितनी संख्या बढ़ेगी कौमा कमाने वाले हाथ बढ़ेंगे और वोट बढ़ेंगे। स्टॉप, ये भले ही अशिक्षित हों कौमा पर लोकतंत्र की कमजोरी का फायदा उठाना अच्छी तरह आता है। स्टॉप, अभी तो दूसरे राजनीतिक दल इनके संरक्षक बन जाते हैं। संपूर्ण विराम।